इस मॉड्यूल में हम जिक्र करते हैंडेशन ऑफ द ह्यूमन आई यानी किस तरह ह्यूमन आई एडजस्ट करती है या एकोमोडेट करती है टू सी नियर बाई और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को क्योंकि जब हम बहुत दूर चीज़ देख रहे होते हैं तब भी वो फोकस में वह, तब तभी चीज़ हम देख रहे होते हैं और जब उसी वक्त जब नज़दीक आ जाते हैं तो तब भी हम उसको बहुत क्लियरली देख रहे होते हैं तो यह चीज जो है इसे हम एकोमोडेशन कहते हैं तो एकमोडेशन इज द एडजस्टमेंट ऑफ द ऑप्टिक्स ऑफ द आई टू कीप एन ऑब्जेक्ट इन फोकस ये आउट ऑफ फोकस नहीं होता और इट इज ए वेरी क्विक प्रोसेस ये नहीं है कि कोई देर लगे बहुत ज्यादा देर लगे ऐसी कोई बात नहीं है ये उसी वक्त ये आई अपने आप को एडजस्ट करती है इसकी लेंस असल में उसकी फोकल लेंथ बदल जाती है जिसे हम यही चीज़ हमें देखनी है कि किस तरह ये फोकल लेंथ बदलता है इस लेंस का और हमें खाबुन डिस्टेंट पे देख रहे हों या बहुत ही नज़दीक देख रहे हों तो ये उसी वक्त यानी फ्यू फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स दिस आई विल एकोमोडेट टू समथिंग टू फोकस द ऑब्जेक्ट तो इसमें एकोमोडेशन इन दी इज द एडजस्टमेंट दिस द डेफिनेशन ऑफ एकोमोडेशन Of the optics of the eye to keep an object in focus on the retina as its distance from the eyes varies. So it is a process of adjusting of focal length of the, of the lens. Now accommodation is the ability of the eye lens to see both near and distant objects by adjusting its focal length. So this is lens key adjustment here. लेंस की एडजस्टमेंट फोकल लेंथ की एडजस्टमेंट है और ये कैसे होती है दिस इज बाई दिलियरी मसल्स तो जैसे हमने उसकी एनाडमी में देखा कि असल में इसका लेंस जो है इट इज नॉट लाइक दैट ऑफ ए सॉलिड ग्लास बल्कि एक जिलेटिनस वेरी ट्रांसपेरेंट इट इज कवर्ड ओवर बाई मेम्रेन और फिर इट इज स्ट्रेच्ड ऑल अराउंड बाई दिलियरी मसल्स वेन दीस लियर मसल दे कॉन्ट्रैक्ट तो क्या होगा कि लेंस के ऊपर प्रेशर पड़ेगा और, और वो उसका फोकल लेंथ ज़्यादा हो जाएगा उसका बल्कि फ्लैट हो जाएगी एक लिहाज से लेंस फ्लैट हो जाएगा और जब हम जब मस, वो मसल जो रिलैक्स होंगे तो इट इज ऑटोमेटिकली जो लेंस है वो इतना फ्लैट नहीं रहेगा और उसकी करवेचर बढ़ जाएगा इसी चीज को हमने अब देखना है तो मेन डिस्टेंस एट विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली इज कॉल्ड एज अ पॉइंट विजन जब हम पढ़ रहे होते हैं या चीज देख रहे होते हैं, नज़दीक की चीज देख रहे होते हैं इसे हम कहते हैं नियर पॉइंट दैट इज विजन और इसी तरह फॉर दिस इज कॉल्ड एज फार पॉइंट विजन इन दिस डायग्राम वी कैन बेटर अंडरस्टैंड दी फॉर पॉइंट और ये आई है जिसके अंदर दिस पार्ट इज दी लेंस ये उसी तरह दी दर्निया और दरमियन में ये प्यूपल है तो लाइट यहाँ से पास हो रही है यहाँ से इट इज़ एंट्रिंग थ्रू दी कॉर्निया एंड देन द्यूपल और ये फिर ये लेंस है दिस इज सपोर्टेड बाय दी सिलियरी मसल्स वैन दे विल कॉन्ट्रैक्ट तो ये लेंस किस्म का फ्लैटन हो जाएगा और इसका फोकल लेंथ ऐसे एडजस्ट होगा कि उसका इमेज इट इज प्रेजेंट राइट ऑन रेटिना और जब हम नियर पॉइंट वी एन में तो लेंस देखें अगर कंपैरिजन करें इस लेंस को और इस लेंस के साथ तो हम देख रहे हैं रिलेटिवली ये तो फ्लैटेंड है और ये ऑलमोस्ट इट इज ऑबलोंग हो गया है और इसका जो एडजस्टमेंट है उसका भी इमेज इट इज फॉलिंग राइट ऑन द रेटिना तो दिस इज ऑल ड्यू टू दीज मसल्स तो ये फॉर पॉइंट एंड देन इज ए नियर पॉइंट दिस इज अदर डायग्राम टू शो द साइज ऑफ द पीपल जब हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देख रहे होते हैं तो ये जो द लेंस इज इज पोल्ड थिन वी दैट इज लेंस इज पोल्ड थिन और ये है लेंस और बाकी ये स्लीरी मसल्स हैं जो उनको खींच रहे हैं और उसको थिन कर रहे हैं एंड दीज आर दिलरी मसल्स ये स्लीरी मसल्स हैं और इसके अलावा दी सस्पेंसरी लिगामेंट है इसका भी दोनों दे वर्क इन यू कैन से इन कोऑर्डिनेशन विद द लेंस और uh, जब हम नियर बाई ऑब्जेक्ट देख रहे होते हैं तो ये लेंस देखें कि इट इज़ दिस इज द पीपल

और ये एकमोडेशन जो है ये यंगस्टर्स के अंदर बच्चों के अंदर यंगस्टर्स के अंदर वेरी क्विक इंटर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर ये आइस का जो लेंस है इसकी फोकल लेंथ एडजस्ट हो जाती है लेकिन जैसे जैसे इंसान एजड होता है तो ये जो एकोमोडेशन है इट बिकम्स रेलेटिवली स्लो जैसे आप देखें कि अगर क्रिकेट में अगर बॉल बहुत ऊपर से आ रहा है तो वो रिफ्लेक्सेस भी बहुत शार्प होते हैं खिलाड़ियों में जिसकी वजह से बहुत जल्दी से बड़े आसानी से कैच कर लेते हैं लेकिन अगर किसी बूढ़े इंसान को अगर हम करें तो वो तो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहा वो फॉलिंग बॉल के, बॉल के नीचे नहीं आए आ सकेगा और तो ये हम चीज़ जो है ये रिफ्लेक्सेस की वजह से ही है और स्लोइंग हो जाती है ये ख़ास तौर पर एक आइस की अकोमोडेशन भी स्लो हो जाती है और वो इसको सही तौर पे इसलिए वो कैच नहीं कर पाएंगे जो ज़ीफ़ लोग होते हैं दिस इज ऑल अबाउट दी एकोमोडेशन तोमोडेशन में हम इसको समराइज ऐसे ही करते हैं एकोमोडेशन क्या है कि जो फार ऑब्जेक्ट्स और नियर बाई ऑब्जेक्ट्स इनको किस तरह फोकस करना है ये ऑटोमेशन पे है हमें नहीं करना पड़ता इट इज़ ऑटोमेटिकली डन बाई दीस लियर मसल्स which are under the control of the brain which are absolutely under the control of the brain so this is something it is a great uh, it is again again it is a great blessing in chizuko it is involuntary it is sari activities you involuntary we are not to adjust it is done automatically so this is all about the accommodation of the human eye